हिमाचल में टूरिज्म को लगेगा पंख, 6 इको टूरिज्म साइट डेवलप होगी। इलेक्शन कमीशन ने आवंटन को दिया मंजूरी, प्रकृति की खूबसूरती नजदीकी से निहार सकेंगे पर्यटक। कंगना 28 नवंबर को हाजिर हो, आगरा कोर्ट का आदेश, नोटिस जारी कर जवाब मांगा, कहा था किसान आंदोलन के समय रेप मर्डर हुए। हरियाणा में पीएनजी पाइपलाइन में धमाका, एक की मौत, 3 झुलसे, 6 दुकान और जेसीबी समेत कई वाहन जले, 20 फीट ऊंची आग की लपटें उठी। प्रयागराज में 20,000 छात्र बोले हक मिलने तक नहीं हटेंगे, लोक सेवा आयोग के सामने फोर्स बढ़ाई, कैंडल मोबाइल टॉर्च जलाकर कर रहे प्रदर्शन। हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष से भिड़ा जेई, सस्पेंड हुआ, नेता ने कहा जूते से मारूंगा, जेई बोला मर्द के बच्चे हो तो आ जाओ, ऑडियो हो रहा वायरल। पंजाब में उपराष्ट्रपति के फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, एलिजिबिलिटी कम होने के कारण 1 घंटा आसमान में घूमता रहा विमान, अमृतसर में हुआ लैंड। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग कल, 5 सीट पर त्रिकोणीति मुकाबला, दौसा रामगढ़ में भाजपा कांग्रेस में सीधी टक्कर। वाराणसी के कामेश्वर महादेव मंदिर का संरक्षण होगा, योगी सरकार का फैसला, प्रभु श्री राम ने की थी यहां संध्या आरती, रेत से बनाया गया था शिवलिंग। सऊदी प्रिंस के सलमान बोले गाजा में नरसंहार कर रहा इजराइल, ईरान पर हमला ना करने की चेतावनी दिया, रियाद में जुटे 50 मुस्लिम देश। यूक्रेन जंग में रूस का साथ दे सकता है नॉर्थ कोरिया, दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता, एक दूसरे को सैन्य मदद करेंगे। ट्रंप के खिलाफ पॉर्न स्टार केस में सुनवाई टली, सजा रद्द करने की अपील की थी, पैसे देकर पॉर्न स्टार को चुप कराया का आरोप। सिंधे को युवक ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर गद्दार कहा, काला झंडा दिखाया, सीएम गुस्से में दफ्तर में घुसे, कहा आप ऐसे करते हो। अभिषेक ने ऐश्वर्या के ट्रोलर को लगाई फटकार, तलाक की अफवाह के बीच पुराना वीडियो हो रहा वायरल, 17 साल पहले हुई थी शादी। मराठा आंदोलन, मनोज जरांगे बोले फडणवीस जातिवाद, वे मराठाओं से चिढ़ते हैं, शरद पवार पर भरोसा नहीं, फिर शुरू होगा आंदोलन। मोदी बोले कांग्रेस देश को कमजोर करने का मौका नहीं छोड़ती, ये कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लाए, पाकिस्तान भी यही चाहता है। गुजरात के अस्पताल में बिना बताए एजियोलिस्टी की 2 मौत, गांव में 19 मरीज को लाए, नाराज गांव वालों ने अस्पताल में किया तोड़फोड़। शाहरुख खान को धमकाने वाला वकील रायपुर से गिरफ्तार, कहा था 50 लाख दो वरना जान से मार दूंगा, पहले गुमराह किया फिर गुनाह कबूला। केरल में आईएएस अफसर ने व्हाट्सएप पर हिंदू मुस्लिम ग्रुप बनाया, फोन हैक होने का दावा कर जांच को गलत मिला, राज्य सरकार ने किया सस्पेंड। चीन में तलाक से परेशान बुजुर्ग ने लोगों को कार चढ़ाया, 35 लोगों का मौत, 43 घायल, पत्नी के साथ संपत्ति के बंटवारे से नाराज था। अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.21% पहुंची, ये 14 महीने में सबसे ज्यादा, सब्जी फल मीट के दाम बढ़े। उद्धव के हेलीकॉप्टर की 2 बार तलाशी, बोले मोदी का बैग चेक करो, वहां पूछ मत झुकाना, इलेक्शन कमीशन बोला शाह नड्डा की भी जांच हुई थी। आतंकी पन्नू की धमकी से कनाडा में कंस्यूलर कैंप रद्द, भारतीय नायकों और मोदी खिलाफ प्रदर्शन करेगा खालिस्तानी संगठन, पुलिस सुरक्षा देने में असमर्थ। हिमाचल के शहीद नायाब सूबेदार को अंतिम विदाई, 9 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, पत्नी ने सैल्यूट कर विदा किया, एजेंट के में शहीद हुए थे। कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली में धुंध, तमिलनाडु में बारिश, हरियाणा दिल्ली में AQI 400 पार, चेन्नई में 2 दिन से भारी बारिश, आज स्कूल बंद। बायजू खिलाफ दिवालिया केस वापस लेना चाहती है BCCI, NCLT में याचिका दी, 158 करोड़ के समझौते को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। स्टारलिंक की भारत में एंट्री लगभग तय, सिंधिया बोले डेटा सिक्योरिटी रूल मानो तो लाइसेंस मिलेगा, नियम पर कंपनी पहले से सहमत।
दिन के ऊपरी स्तर से 1145 अंक गिरा बाजार। सेंसेक्स 820 अंक गिरकर 78675 पर बंद। निफ्टी में भी 257 अंक का आया गिरावट। सोना 1519 रुपए गिरकर 75321 पर आया। चांदी 2554 रुपए सस्ती होकर 88305 प्रति किलो पर बिक रहा। सोना 355 रुपए गिरकर 77027 पर आया। चांदी 297 रुपए सस्ती होकर 90833 प्रति किलो पर बिक रहा। जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल को जमानत। कैंसर का चल रहा इलाज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गए थे जेल में रहे थे बंद। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से सरकार पूछताछ कर सकती है। विदेशी निवेशक के नियम को उल्लंघन का लगा है आरोप। जांच के बाद नोटिस भेजने की तैयारी। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की मिथुन चक्रवर्ती को धमकी। बोला बकवास पर माफी मांगो वरना पछताना पड़ेगा। गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की राम मंदिर को उड़ाने की धमकी। वीडियो जारी कर कहा अयोध्या में हिंसा होगी, हिंदुत्ववादी विचारधारा की नींव हिला देंगे। खड़गे बोले बटेंगे तो कटेंगे, बोलना साधु का काम नहीं, ये कोई आतंकी बोल सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष का यूपी सीएम योगी पर तंज। राहुल ने आई लव यू वायनाड लिखी टी शर्ट पहनी। बोले वायनाड ने इतना स्नेह दिया कि मैंने राजनीति में प्यार शब्द का मतलब इस्तेमाल शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला साल भर पटाखे बैन करने पर फैसला ले, कोई धर्म प्रदूषण फैलाने को बढ़ावा नहीं देता। दिल्ली सरकार को 25 नवंबर की डेडलाइन। झारखंड में खेला कर सकती है बीजेपी। पहले फेज में बीजेपी को 14 से 21 सीटें, जेएमएम को 11 से 15 सीटें मिलने के आसार। कांग्रेस कमजोर कड़ी। कर्नाटक के मंत्री ने केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी को कालिया कहा। बोले वो भाजपा से ज्यादा खतरनाक। जेडीएस ने पूछा कांग्रेस अध्यक्ष का रंग बताओ। श्रीनगर में आतंकी मुठभेड़ में फंसे दो ट्रैकर। 100 नंबर पर सूचना दी, सेना ने फायरिंग रोककर बचाया, आतंकी भागे। यूपी में अफसरों का 10% कमीशन फिक्स। पत्नी बेटे के अकाउंट में रिश्वत मंगवाई, LIC किस्तें भरवाई। बाबू की डायरी में काला सच। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 10 उग्रवादी को मार गिराया। CRPF चौकी पर हमला करने पहुंचे थे, एक जवान भी घायल, 5 स्थानीय लोग लापता। सरकारी नौकरी। भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर की भर्ती। सैलरी 2 लाख से ज्यादा। एज लिमिट 27 साल। ज्वाइन इंडियन आर्मी .gov.in में भर सकते हैं फॉर्म। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार रहा। सेंसेक्स 9 अंक चढ़ा और निफ्टी 6 अंक फिसला। BSE स्मॉल कैप 627 अंक गिरा। अमित शाह बोले सरकार बनती ही झारखंड में घुसपैठियों की पहचान करेंगे। आदिवासी लड़कियों से शादी करने पर भी इन्हें जमीन नहीं मिलेगी। जयशंकर बोले ट्रंप की जीत से भारत चिंतित नहीं। मोदी के ओबामा बाइडेन और डोनाल्ड से व्यक्तिगत संबंध, इसे भारत को मदद मिलती है। वडोदरा की IOCL रिफाइनरी में ब्लास्ट से लगी आग। धमाके की आवाज से डरकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकले, 2 कर्मचारी घायल। प्रयागराज में 10,000 छात्रों का प्रदर्शन। स्ट्रीट लाइट काटी, 2 की जगह 1 दिन एग्जाम कराने की मांग। UPSC ने कहा कुछ लोग बरगला रहे। बहराइच में भेड़ियों का हैवानियत वाला बदला। इनके हमलों में 9 बच्चे समेत 10 की अब तक मौत। अब वो हमला नहीं करते, जल्द लोगों के सामने आएंगे। अलीगढ़ में किसानों ने एक्सेन को बंधक बनाया। PWD ऑफिसर से खींचकर जबरन धरने पर बैठाया, कई घंटे तक हंगामा किया। स्टारलिंक सरकार के डेटा सिक्योरिटी रूल से सहमत। कंपनी जल्द पूरी करेगी लाइसेंस प्रोसेस। भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जल्द करेगा शुरू। कमला हैरिस अभी भी बन सकती है पहली महिला राष्ट्रपति। पूर्व सलाहकार बोले बाइडेन पद से इस्तीफा दे, 20 जनवरी तक पद पर रह सकेंगे।
भारत रूस के बीच पंथियन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता। इसका ट्रैकिंग सिस्टम हवा में 36 किलोमीटर दूर का भी टारगेट को ट्रैक करने का है सक्षम। कोलकाता रेप मर्डर का आरोपी बोला, पुलिस कमिश्नर ने मुझे फंसाया, पुलिस वैन से खींच खींच कर कहा विनीत गोयल ने साजिश रची।